हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं टेक ट्यूबर। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स पर फिर से एक सरप्राइज अटैक किया। आपको पता ही होगा कि लास्ट मंथ 29 जून को 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, वैसे ही और भी सरप्राइज अटैक करने की प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट की। बाद में आपको इसी वीडियो में उनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा इतना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अगेन 47 चाइनीज़ ऐप्स को और बैन कर दिया है। और दोस्तों, ये चाइनीज़ ऐप्स है, इसकी कोई अभी लिस्ट तो आई नहीं है कि कौन कौन से जो ये ऐप्स हैं ये बैन हुए हैं। अगर आएगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, आप उसमें देख पाएंगे। दोस्तों दोस्तों और ये बताया जा रहा है, इन 47 जो ये ऐप्स जो हुए हैं ना, मतलब ये बैन हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के हाथों, ये जो जो मतलब ऐप्स है ये वो नहीं, 59 ऐप्स है क्लोन ऐप्स। जैसे कि हो सकता है टिकटॉक लाइट हो, शेयर इट लाइट हो, या फिर आपने देखा हो यूसी मीनी है, तो वस्ते ये छोटे मोटे जो ऐप्स हैं ना, इसके क्लोन वर्जन। तो दोस्तों, ये भी मतलब बैन हो सकते हैं ऐसे ही। दोस्तों मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ने और भी प्लानिंग कर रखी है, उसने 250 से भी ज़्यादा ऐप्स की लिस्ट बना रखी है, जो जो कि धीरे धीरे करके अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बैन करना स्टार्ट करेगी। और हो सकता है कि पबजी भी इसी लिस्ट में हो, मैं इतना बोल रहा हूँ, हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे मतलब वो चाइनीज ऐप्स को हटाए जा रहे हैं, पहले 59 और 47, और अभी भी मतलब 250 से भी ज़्यादा, टोटल 275 जो मतलब चाइनीज ऐप्स है वो भी बचे हुए हैं। तो दोस्तों, हो सकता है उन पर भी कोई एक्शन लिया जाए, जैसे करके इंडियन गवर्नमेंट बहुत से सरप्राइज अटैक्स दे रही है। पहले भी वही ने पहले दिया था और अब एक और दे दिया। 2 दिन पहले की बात है, न्यूज़ आई है कि 47 ऐप्स जो है वो बैंड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ये बताया कि 47 ऐप्स ये बैन हो चुके हैं, ये सब जो अभी मेरे कुछ पता नहीं है इसकी मतलब कौन कौन से ऐप्स मतलब बैन हुए हैं, पर इतना पता जा रहा है कि उन्हीं ऐप्स के क्लोन्स थे। जैसे कि टिकटॉक लाइट हो गया, लाइकी लाइट हो गया, और भी हम शेयर इट लाइट, यूसी मिनी, ये सब जो है, तो ये सब लाइट वर्जन्स भी हो सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इन सब के बारे में पता चले कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करे हैं 47 ऐप्स को ये सब करके। और अब दोस्तों, अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पास एक और भी लिस्ट है, तो उससे वो आगे और भी ऐप्स को बैन कर, जैसे मैंने आपको बताया अभी 250 से भी ज़्यादा ऐप्स अभी बाकी हैं। और अब दोस्तों, आपको बताइए कि कैसे कैसे लॉकडाउन चल रहा है, नेटवर्क कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे टाइम पे इंडिया में भी 1000 से ज़्यादा साइबर अटैक्स हो चुके हैं। तो ऐसे केस में आपको अपने मोबाइल को और अपने मतलब सॉफ्टवेयर, अपने ऐप्स को ना बहुत ज़्यादा मतलब साइबर सिक्योरिटी के साथ रखना होगा, मतलब उन्हें सिक्योर रखना होगा। तो उनके लिए मैंने अपने एक वीडियो में मतलब बहुत ही बेस्ट साइबर सिक्योरिटी ऐप्स के बारे में बताया है, आप उसे देख सकते हो, मेरी जस्ट प्रीवियस वीडियो है, आप उस पर क्लिक करके आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।